दिस कुड हैव बीन कॉज्ड बाय द सुसाइड बॉम्बर्स दैट सम टाइम साहब अगर आपने इलाज शुरू नहीं किया तो मुहतरमा की जान भी जा सकती है डिवाइस दैट दे यूज जनरल का कोई ऑफिसर नहीं आ जाता कोई कुछ नहीं कर सकता The people had heard some firing, but it is too early to confirm. Pinky, क्यों ना तुम भी मुल्क छोड़ दो? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती पापा. मैं अपने पापा की पिंकी हूँ. आप मेरी इंस्पिरेशन हैं. मुल्क में दोबारा से सियासी उथल-पुथल शुरू होने वाली है. जनरल ने आम इंतखाबात का शेड्यूल निकाल दिया है. ऐसे में आपकी पार्टी की रहनुमाई कौन करेगा? मीर और शाह बाहर हैं. ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी निभानी है. पूरे मुल्क का दौरा करो, पब्लिक मीटिंग्स करो, पार्टी के कारकुनों से मुलाकात करो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो. मुहतरमा आपका वक्त खत्म हुआ. पिंकी तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. तुम मेरी लाल हो और हमेशा लाल ही रहोगी. मैंने खूब कोशिश की कि एक अच्छा बाप बन सकूं, लेकिन शायद वक्त को मंजूर नहीं था. अब वक्त हमें और इजाज़त नहीं देता. अब शायद हशर के मैदान में मुलाकात हो. पिंकी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो. पापा आपके बगैर मेरी जिंदगी बंजर हो जाएगी. खुदा हाफिज मेरी बच्ची. खुदा हाफिज पापा. न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये मेरी पापा से आखिरी मुलाकात है. मैंने उसी वक्त सियासत में कदम रखने का फैसला किया और मुल्क में जमहूरियत बहाल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी. शायद हुकूमत को ये पसंद नहीं आया. मुल्क की सारी परेशानी से तो आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे, पर सबसे बालातर है होने वाले आम इंतखाबात. सर माहौल भी हौलनाक है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जहां तहां आगजनी करते फिर रहे हैं. इसकी वजह से हमारी फौज को काफी नुकसान भी हुए हैं. जनाब सदर, मुल्क की सियासी उथल पुथल में हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों में तशद्दुद फैले. ऐसे नाजुक हालात में सारा का सारा सपोर्ट मोहतरमा बेनज़ीर ही को मिल जाएगा, तो क्यों ना हम उन्हें मुल्क बदली की इजाज़त दे दें. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. माफ़ी चाहता हूँ मेरी नमाज का वक्त हो गया है, पर आखिर में एक बात आखिरी मशवरा पसंद आया. नवंबर 1982 में मम्मी को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई. मेरा ये वक्त हाउस रेस्ट में गुजरा. अपने ही वतन में मैं अकेले एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी और आखिर मुझे भी वतन छोड़ना पड़ा. जनवरी 1984 में मैं लंदन आ गई, लेकिन वहाँ से भी मैं आवाम की आवाज़ उठाती रही. Well, my guest today leads the largest democratic party of Pakistan, and this is one force who could possibly take military back to their barracks. Barrister Bhutto, welcome to 24/7. Thank you. You said earlier that you are open to negotiation, that you would be willing to talk with General Zia. You want to see a way forward. Do you still see that door open, or do you think it is not necessary? I think dialogue is very important, so the door for negotiations is always open. The movement now carries on. And the slogan is Go Zia Go. So where do you see your party in the movement? We definitely like to see an end of military rule. We want the military to go back to the barracks, a revival of the constitution and of democracy. You are sitting outside of Pakistan, and the people of the country feel that there is a leadership vacuum in Pakistan. So do you still feel that there is a strong second tier leadership, an effective and strong one? Well, now the vacuum is about to end because I'm going back. I've decided to take the risk because I think that the elections in Pakistan are a very good opportunity to fight against what I see as
not just dictatorship but extremism. अप्रैल 1986 में मैं मुल्क वापस लौटी. आम इंतखाबात होने वाले थे. आवाम ने मेरा साथ दिया और दो साल बाद मुझे मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज हासिल हुआ. ये रावलपिंडी बहादुरों और नौजवानों का इलाका है. मैं रावलपिंडी को अपना दूसरा घर समझती हूँ. कायदे आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने आवाम की ताकत को मुअज्जम करके पाकिस्तान को बचाया और आज ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ. बलूचिस्तान में देखो, शमाइली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती पुकार रही है और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ. जब मैं वतन वापस आई तो कराची शहर में बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और ये साजिश नाकामयाब हुई. जैसे जैसे आवाम का साथ बढ़ता गया, घर वालों का साथ छूटता गया. आखिर आप भी आ गई बहकावे में. आपको तो ये लोग कुछ करने ही नहीं देंगे. ऊपर से अपोजिशन का प्रेशर. यहाँ हुकूमत और कानून सदर, जनरल और आईएसआई चीफ चलाते हैं, फिर पीएम का क्या काम? एक दफा मुल्क में जमहूरियत बहाल हो जाए, मुल्क में अमन और चैन फैल जाए, यही तो कायदे अवाम का भी सपना था ना. और तुम और शाह तो मुल्क के बाहर हो. ऐसे में जनरल के लोग फायदा उठा सकते थे. मैं अपने ऊपर के सारे इल्जाम कबूल कर लूंगा अगर आप पापा के मुजरिमों को सजा दे तो. मीर, होश से काम लो, जज्बाती मत बनो. मुझे इस बेलगाम सियासी निजाम को समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए. इसके बाद मैं तुम लोगों को बुला लूंगी यहाँ, लेकिन ये वक्त सही नहीं है. जी मोहतरमा वजीर आजम, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जैसा आप सोचें. शुक्रिया. अच्छा फिर बाद में बात करता हूँ आपसे. खुदा हाफिज. अपना और शाह का ख्याल रखना. खुदा हाफिज. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 20 महीने चली, लेकिन सियासी उथल पुथल की वजह से मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरी सियासी सरगर्मियां चलती रहीं. 3 साल बाद 1993 में अवाम ने फिर साथ दिया और मुझे दोबारा वजीर आजम बनने का मौका मिला. मुल्क में सियासी इस्लाह की मेरी कोशिश जारी रही. ऑनरेबल चेयरमैन सर और रुकने आइन, हमारे वतन में जब भी उथल पुथल मचती है उससे ना सिर्फ गरीबों और मजलूमों को बल्कि कायद आजम और कायद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह को भी तकलीफ पहुंचती है. इसलिए मेरा मशवरा है कि आइन में कुछ तब्दीलियों की जरूरत है. मेरी लाख कोशिशों के बाद भी 1999 में मुल्क का निजाम एक बार फिर फौज के हाथों में चला गया. मैंने मुल्क छोड़ दिया और दुनिया भर में घूमकर अपने वतन में जमहूरियत लाने के लिए जद्दोजहद करती रही. लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर टुडे. एज आई कम हियर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, आई फाइंड माय कंट्री पाकिस्तान इज अगेन इन अ क्राइसिस. A crisis that has repeatedly engulfed my country for long. Violence, intolerance, and suppression of democracy has put my homeland in jeopardy. The major pillars of democracy have been weakened. Political parties marginalized, NGOs dismantled, and civil society undermined. In the view of my party, military dictatorship has fueled the forces of extremism and put into place a government that is unaccountable and disconnected from the general masses and their aspirations. And so it undermines the concept of the rule of law and prevails the culture of might. October 2007 mein main Pakistan wapas lauti. 8 saal baad mulk mein jamhooriyat lane ki meri koshishein kamyab hoti nazar aa rahi thi. Ye woh shehar hai jo dictators ko shikast deta hai.
यहीं से याहिया खान को हटाने की मुहिम शुरू की गई और यहीं से जनरल अयूब खान के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज हुआ और इंशाल्लाह इसी शहर की मदद के साथ एक बार जल्द ही जमहूरियत का सूरज फिर से तुलू हो जाएगा। लाहौर पंजाब का दिल है और पंजाब पाकिस्तान का। जब तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आ जाता, कोई कैसे ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है? Please try to understand the situation. डॉक्टर साहिबा, अगर आपने इलाज शुरू नहीं किया तो मोहतरमा की जान भी जा सकती है। देखिए वैसे ही कितना खून बह चुका है। मैडम, जब तक जनरल का कोई ऑफिसर नहीं आ जाता, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज कोऑपरेट फॉर गॉड सेक। क्या आप इनसे वाकिफ नहीं है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से, जब इनके वालिद पीएम हुआ करते थे तो आप सभी ने सलामी देते थे, और जब ये खुद पीएम थी तब भी। लेकिन आज, या खुदा मदद कर। Security advisor said Bhutto was shot in the neck and the chest as she was trying to get into her vehicle to leave the rally. This happened in Rawalpindi. Na jaane kaun si seher is pak sarzameen pe jamhooriyat ka aftab laayegi.